ठीक हो तो हमारी तरफ तो जी इतनी ठंड और इतनी इतनी बर्फ है कि जी बुरी हालत हो पड़ी है। अच्छा रिजा, आज आपके साथ हम पेस्ट्री शेयर करूंगी रेसिपी, और बहुत ही आसान वे में आप ये पेस्ट्रीज बना सकते हैं। ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, तकरीबन 1.5 आवर में आपकी ये रेडी हो जाएंगी, तो उम्मीद है जी आपको पसंद आएगी। ये मेरे पास आधा किलो मैदा है जी, 2 टीस्पून मेरे पास ये लेमन का जूस है, 1 टीस्पून नमक है जी, थोड़ा सा मैंने बटर ले लिया, तकरीबन होगा जी ये 30 ग्राम के करीब होगा। ये जी थोड़ा सा बटर को हाथ से नरम कर लेते हैं हम, तो फिर इसको गूंदते हैं, तो इसको ना ठंडे पानी से गूंदना और आटे को ज्यादा नरम नहीं जी रखना हमें। ये जी हमारी डो रेडी होगी, अभी आप देख लें, ये ज़्यादा सॉफ्ट नरम आटे की तरह नहीं रखनी, थोड़ा हार्ड रखना जी इसको। तो अब इसको हम रेस्ट देते हैं तकरीबन 20 से 30 मिनट, तो फिर बनाते हैं। ये जो हमारी डो थी इसके मैंने 9 पेड़े बनाए हैं, ठीक है, और ये हम हर लेयर में बटर लगा रहे हैं। जी हमारी डो रेडी होगी, अब इसको तकरीबन 20 से 30 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे। ये जी किनारों पे हल्का सा मैंने पानी लगा दिया है, क्योंकि दूसरी ऊपर लेयर रखनी है उसके लिए। ये जी मैं दूसरे भी तरीके से बना रही, सोचा ये भी साथ दिखाई दूं आपको, दोनों तरीकों से बना सकते हैं। ये जरा आसानी से जल्दी से हो जाएगा, वो थोड़ा लेट होगा, तो दोनों तरीकों से बनाते हैं जी हम। ये जी खाली अंडे का ब्रश करना है इसको, इसमें कुछ ऐड नहीं करना। इसको 180 पे मैं बेक करने लगी हूँ, टाइम मेरा ख्याल है 30 मिनट लग जाएंगे, बट अगर कम ज्यादा हुआ तो मैं बता दूंगी।
तो जी आपने देखा कि ये कितनी ज़बरदस्त हमारी तैयार हुई हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्ती रेडी हो गई हैं। तो आज सिर्फ आपको यही मैं बताना चाहती थी कि आसान वे में इसको कैसे बनाया जाता है, क्योंकि अदरवाइज़ इसकी डो काफ़ी मुश्किल लगती है लोगों को बनानी। तो मैंने 200 ग्राम का पैकेट लिया था जी बटर का, जो मैंने सारा इसमें फिलिंग में यूज़ की है। तो जी उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये तरीका पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत शुक्रिया। कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।